हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों आप काफी लोगों को पता नहीं होगा कि 4 नवंबर 1994 में क्लैश हुआ था अक्षय कुमार अजय देवगन की फिल्म और आमिर खान और सलमान खान की फिल्म यानी कि अंदाज़ अपना अपना विच वॉज डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी और सुहाग विच वॉज डायरेक्टेड बाय कुकू कोहली। तो वो फिल्म दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी। अभी आप गूगल चेक मत करना क्योंकि गूगल में डेट्स अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन दोनों फिल्में मैंने एक ही दिन में देखी थी। मैटिनी शो में मैंने देखी थी अंदाज़ अपना अपना, मेरा 1994 का टिकट गैलेक्सी सिनेमा में लगी थी और सुहाग लगी थी नंदी में, वो 3 बजे देखी थी मैंने नंदी सिनेमा में। दोनों फिल्में की टिकट मेरे पास है। तो दोनों का क्लैश हुआ था एक्चुअली, लेकिन अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आजकल जब मैंने सब पिक्चर निकाल ली, टिकट चेक कर रहा था, यार दोनों फिल्म एक दिन रिलीज हुई थी। तो मजेदार बात यह है कि राजकुमार संतोषी बहुत बड़े डायरेक्टर थे उस वक्त, उनकी सभी फिल्में हिट हुई थी, घायल, घातक, दामिनी। तो उसके बाद ये फिल्म आई थी तो पब्लिक की इतनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपको जान के एकदम हैरानी हुई, पिक्चर को ओपनिंग भी नहीं लगी थी। और दूसरी तरफ कुकू कोहली जो उतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे कंपेयर टू राजकुमार संतोषी, लेकिन उन्होंने भी हिट फिल्में बनाई है, उनकी फिल्म को अच्छी ओपनिंग लगी थी। अक्षय कुमार एंड अजय देवगन पहली बार एक साथ आए थे। और अंदाज़ अपना अपना जब 3 बजे का शो, जब 12 बजे का शो खत्म हुआ, मैं बाहर निकला तो 3 बजे इट वॉज एम्प्टी, थिएटर हाउसफुल नहीं थी पिक्चर। लेकिन जब 3 बजे में नंदी सिनेमा पहुंचा, सुहाग वॉज हाउसफुल। देखो ये बहुत लोग, किसी यूट्यूबर को तो पता ही नहीं होगा, सपने में भी पता नहीं होगा किसी यूट्यूबर को, आई बेट ये सिर्फ मैं ही आपको बता सकता हूँ ये सब। हालांकि अंदाज़ अपना तो वेरी गुड फिल्म है, एवरीबॉडी विल लाइक इट। मैंने भी जब बाहर निकला मैंने भी मीडिया को बोला था इट्स अ सुपर हिट फिल्म, बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई राजकुमार कोहली ने। सभी को फिल्म अच्छी लगी, लेकिन फिल्म बॉम्ब वेरी बैडली एट द बॉक्स ऑफिस, चली ही नहीं थी पिक्चर। और ये मैंने बहुत पहले ही बताया था तो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, बोले ऐसा कुछ पता ही नहीं फिल्मों के बारे में। जो जब आमिर खान और सलमान खान ने किसी इंटरव्यू में कहा कि फिल्म 4 दिन नहीं चली थी, देन देर यार वो बॉबी ने बोला था, सही बोला था, हम लोग तो आंखों से देखते हैं भाई, गूगल फूगल नहीं करते। तो अंदाज़ अपना फिल्म नहीं चली थी, फ्लॉप हो गई थी, हालांकि ये तो वॉज अ वेरी गुड फिल्म। और सुहाग उस वक्त सिलो जुबली का जमाना था, फिल्म सिलो जुबली भी हुई थी और अच्छी चली थी और लोगों ने पसंद भी की थी। और उसमें अक्षय कुमार और अजय देवगन का जो रोल था वो लोगों को पसंद, अक्षय कुमार की कॉमेडी बहुत अच्छी थी पिक्चर में उनकी, और नगमा की, अजय देवगन और पैर विद करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हालांकि दोनों फिल्मों में करिश्मा कपूर का प्रॉब्लम ही हो गया था। वहां पर नगमा को थोड़ा ज्यादा रोल दिया तो करिश्मा कपूर गॉट एंग्री विद कुकू कोहली जी, और उन्होंने कहा मैं अभी डबिंग नहीं करूँ, तो उन्होंने डबिंग ही नहीं की सुहाग पिक्चर में, किसी और से डबिंग करवाई थी। और सेम विद अंदाज़ अपना, उनको बोला अगर रवि टंडन का रोल ज्यादा है तो दे ऑल्सो शी गॉट एंग्री विद राजकुमार कोहली, सॉरी तो राजकुमार कोहली से। दोनों फिल्म में करिश्मा कपूर का प्रॉब्लम था, हालांकि दोनों फिल्में अच्छी थी, लेकिन सुपरहिट एक ही हुई थी सुहाग, और अंदाज़ अपना वॉज फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाई राजकुमार कोहली एंड सुहाग वॉज रिटन बाई हनी रानी जी एंड डायरेक्टेड बाई कुकू कोहली जी। हाँ वेरी गुड फिल्म, अच्छी फिल्म थी, लोगों को पसंद आई और गाने भी सुपर हिट थे उसके भी, उसके गाने तो पुराने जमाने के थे अंदाज़ अपना के, लेकिन भी शॉक चली ही नहीं थी पिक्चर। हम लोग भी शॉक हो गए थे यार, पहले दिन थिएटर खाली है, कोई घायल, घातक, दामिनी के बाद वो तीनों फिल्में जब रिलीज हुई थी जैम पैक्ड थिएटर था, तीनों में सनी देओल थे, पूरा थिएटर पैक था, हाउसफुल के बोर्ड बाहर लगे थे, पर अंदाज़ अपना में हाउसफुल का बोर्ड ही नहीं लगा था। अभी सुहाग में नंदी सिनेमा में हाउसफुल का बोर्ड लगा था, उस वक्त तो मोबाइल नहीं था तो मैं भी कैप्चर कर लेता। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंदाज़ अपना अपना एंड सुहाग बोथ वर रिलीज ऑन द सेम डे, एंड अंदाज़ अपना अपना बॉम्ब एट द बॉक्स ऑफिस एंड सुहाग एंड सेलिब्रेट सिल्वर जुबली एट द बॉक्स ऑफिस। डोंट गो एंड चेक गूगल, गूगल में डेट गलत दिखाते, वो लोग जो इश्यू करते ना वो डेट कितनी बार दिखाते, तो ऑल डेट्स आर नॉट राइट। मेरे पास तो टिकट है इसलिए मुझे पता चलता है। लेट्स सी आगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में मैं क्या लेकर आता हूँ। टिल देन कीप वाचिंग माय चैनल बॉबी द मैटिनी आइडल, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस।